हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MS SSC नोट्स में। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर फिर से हाजिर हैं बेस्ट ऑफ हिंदी साहित्य का पार्ट 3 लेकर। जी हाँ दोस्तों, मैंने इससे पहले 2 पार्ट अपलोड कर दी थी और आप सभी का काफ़ी ज़्यादा प्यार और सहयोग मिला, जिसके कारण से हम आपके लिए तीसरा पार्ट भी लेकर आए हैं। और आपको ये वीडियो, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो 100% पसंद आएगा और आप लोग देखिएगा कि आप इसमें से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो हम उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, अभी तक आपने हमें अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना मत भूलिएगा। आपको प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, वहाँ पे जाके मोहित शुक्ला सर्च करना है, जिससे कि आपको हमारे द्वारा दिए गए सारे कोर्सेज की वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। आप देखेंगे आपको यहाँ पर भी UP TET CTET जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल कराए गए हैं, जिससे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। जी हाँ, और आप हमारे सारे स्लाइड्स को फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं MSSC नोट्स के ऑफिशियली ग्रुप पर जुड़ने की प्रक्रिया स्क्रीन पर दी गई है, जिसे पेटीएम या फ़ोनपे के माध्यम से 50 रुपीज़ सुविधा शुल्क जमा करके जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम जहां तक 60 क्वेश्चन हमने लगभग पिछले क्वेश्चन अपने पिछले सीरीज़ में अटेम्प्ट किया था, तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे 61 से। और आप सभी जो हैं कितने प्रश्नों के उत्तर देते हैं, इसका कमेंट में आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा था? उदंड, मार्तंड, इतिहास, तिमिर नाशक, बनारस अखबार या हरिश्चंद्र मैगजीन। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होना चाहिए क्या होगा, आप लोगों ने अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा आई होप, और अपना आंसर भी आप कमेंट में बता दिए होंगे। यानी उदंड मार्तंड जो थी, ये आपकी हिंदी की पहली पत्रिका थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुख लाल जी की, सदल मिश्र जी की, लल्लू लाल जी की या राम प्रसाद निरंजनी की? ये जो आपके प्रेम सागर है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है प्रेम सागर किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, अगर आपके एग्ज़ाम ये प्रश्न आएगा तो आप लोग बिल्कुल गलत मत कीजिएगा। यहाँ पर आपके लल्लू लाल जी का नाम आता है, जिन्होंने प्रेम सागर की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिंतामणि किसकी निबंध संग्रह है? चिंतामणि के बारे में भी कई बार पूछा गया है, तो बताना है आपको यह किसका निबंध संग्रह है, बाल मुकुंद गुप्ता जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रामचंद्र शुक्ल जी की या निबंध संग्रह है चिंतामणि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका आवारा मसीहा। देखिए, आवारा मसीहा जीवन में या जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? आवारा मसीहा आप लोगों ने कई बार नाम तो सुना ही होगा, हिंदी साहित्य का सबसे फेमस जो है यह है और कई बार पूछा गया है। देखिए, आपका पूछा जाता है यह किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह या जैनेन्द्र जी? तो दोस्तों, ये जो आपकी यह आवारा मसीहा जीवनी है, इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की इसमें जीवन परिचय यानी उनका पूरा जीवन चरित्र को यहाँ पे सृजित किया गया है। अगला प्रश्न है, पिता कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, उषा प्रियवंदा, उदय प्रकाश या ज्ञान रंजन जी? देखिए, पिता कहानी एक ये जो है कहानी है, पिता कहानी के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पे, सही होगा आपका ज्ञान रंजन जी जो हैं पिता कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट है कि अन्या से अनन्या यह किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभाती या प्रभा खेतान? तो अन्या से अनन्या यह किसकी रचना है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रभा खेतान। इनके रचनाकार कौन है? प्रभा खेतान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि अपने अपने पिंजरे यह एक आत्मकथा है, यह किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष राय, जयप्रकाश कर्दम या शिवराज सिंह बेचैन। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहनदास नैमिष राय जो थे अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदन मम रचना किसकी है? ध्यान से सुनिएगा, इदन मम यह किसकी रचना है? ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुद्गल या मैत्रेयी पुष्पा? तो यह जो आपकी रचना है दोस्तों, सही आंसर होगा यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मैत्रेयी पुष्पा की यह जो रचना है इदन मम, तो पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी का है, यानी बालकृष्ण भट्ट जो थे, पूछा जा रहा है इनका कौन सा उपन्यास है? आपके ऑप्शन है 100 अजान और 1 सुजान, धूर्त रसिक लाल, निह सहाय हिंदू या श्यामा स्वप्न। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहां पे होगा 100 अजान और 1 सुजान जो है बालकृष्ण भट्ट की यह एक उपन्यास कथा है।
अगला है, चंदायन के रचयिता कौन है? चंदायन के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन मंझन या मुल्ला दाऊद। तो 70 का सही आंसर है आपके मुल्ला दाऊद जी जो हैं चंदायन के रचयिता हैं, और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार आया है ये परीक्षाओं में। अगला प्रश्न आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आचरण की सभ्यता का निबंध संग्रह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, या फिर आचरण की सभ्यता किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या पद्म सिंह। तो आचरण की सभ्यता जो यह निबंध है, यह था आपका सरदार पूर्ण सिंह का, यह जो था निबंध संग्रह था। अगला प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद। तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे कवितावली के रचनाकार आपके हैं तुलसीदास जी। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राम कुमार वर्मा जी। तो सही उत्तर होगा दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आपके अंधेर नगरी की रचना की थी। नेक्स्ट है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? बद्री नारायण प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो सही आंसर है आपका बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? आपके ऑप्शन है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वृत्त और विकास। तो कौन सा निबंध जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो 75 का सही आंसर है वृत्त और विकास जो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। बाकी अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह, ये सभी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट है, परमाल रासो किसकी रचना है? नल्ल सिंह, नरपति, नाल, चंद्रवरदाई या जगनी। तो परमाल रासो किसकी रचना है दोस्तों? 76 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जगनी की यह जो है रचना है परमाल रासो। नेक्स्ट है, मृगावती किसकी रचना है? उस्मान, मंझन, कुतुबन या जायसी। तो दोस्तों मृगावती जो है आपके कुतुबन की रचना है, इम्पॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, यह जो है कुतुबन की रचना है। नेक्स्ट है, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या केशव चंद्र सेन। तो आपकी जो तदीय समाज की स्थापना थी, इनका श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है, इन्होंने ही तदीय समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बीजक किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या जायसी जी की। तो दोस्तों ये जो बीजक रचना है आपके कबीरदास जी की है, ठीक है। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यशपाल, जैनेन्द्र अज्ञे या उपेंद्र नाथ अस्क। तो सही आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जैनेन्द्र जी जो थे त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार थे। अगला प्रश्न आपका आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो इसका आंसर आपको बताना है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? गार्सा द तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी या धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका जो रचना है किसने किया था? 81 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे, ठीक है। अगला है, मैथिली शरण गुप्त ने क्या नहीं लिखा था? साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध, यशोधरा। कौन सी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है? सही आंसर है कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण जी की नहीं है। बाकी ये ए सी डी जो सभी ऑप्शन है, ये आपके मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला है, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, समन्वय या माधुरी। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन जो है इलाहाबाद से होता है, ठीक है। अगला है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्त जी। सही आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे आपके सरस्वती पत्रिका के संपादक कहे जाते हैं। अगला है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? श्रीराम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अगला है प्रश्न, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा या पुरस्कार। तो 86 का सही आंसर क्या होगा आपका दोस्तों? यहाँ पे सही आंसर है आपका पुरस्कार जो है आपका, इसमें मधुलिका जयशंकर प्रसाद की कहानी का पात्र है, ठीक है। तो अब आते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका थोड़ा सा पूछ रहा है, ये थोड़ा मुहावरे दे दिए गए हैं जिसमें आपको थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन है इसको बताना है, कई परीक्षाओं में कई बार आया है तो इसलिए मैंने इसको भी अपने इस वीडियो में शामिल किया है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको मुहावरे दिए गए हैं, इसके सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है।
चलिए आपके सामने पहला ऑप्शन ये है, स्वान निद्रा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, धोखे से शिकार करना, ठीक है, चतुर होना, या फिर दूसरे को धोखा देना, या सजग निद्रा। तो 87 का जो सही आंसर होगा, स्वान निद्रा मतलब होता है सजग निद्रा। जैसे स्वान निद्रा मतलब, स्वान मतलब होता है कुत्ता और निद्रा मतलब नींद, कुत्ते जैसी जो नींद होती है उसे सजग निद्रा कहा जाता है। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्थागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, तो आप लोगों ने स्टार्टिंग से कभी पढ़ा होगा, कुत्ते जैसी नींद रखना जो होता है एक सजग निद्रा का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न आपका आता है, साढ़े साथी लगना इसका जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है, विपत्ति का समय आना, उदास होना, क्रोधित होना, या इनमें से कोई नहीं। तो साढ़े साथी लगना इसका जो सही आंसर है, विपत्ति का समय आ जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है। अगला है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, झूठे वायदे करना, हरे भरे उद्यानों की सैर करना, हिम्मत बांधना, या फिर धोखा देना। तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे भी 89 में ऑप्शन ए होगा, यानी झूठे वादा करना, यहाँ पे सब्ज़ बाग दिखाने का उदाहरण होता है, यही इस मुहावरे का सही अर्थ है। अगला और आखिरी प्रश्न है कि सोने पे सुहागा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, नीरा मूर्ख, अच्छे पर अच्छा, बुरा समय आना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सोने पर सुहागा जो सही अर्थ होता है इसका मुहावरे का, अच्छे पर अच्छा, यानी कि आपके सामने कोई, आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको और भी अच्छे काम मिल गए, यानी अच्छे पे अच्छा, आपके साथ हमेशा अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे आपका जो है सोने पे सुहागा का मुहावरा सही होता है। तो कितने प्रश्न आप लोगों ने किए और वीडियो आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताएं, और इसकी अगली सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताना है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।